संदीप प्रणाम गुरुजी, आपने अचानक सबको आने से मना क्यों किया? बस मेरा ऐसे ही किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है। कोई तो बात होगी गुरुजी, सब पूछ रहे हैं आपके बारे में। अरे कह दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वंदना, तुम पागल हो गई हो? ये मास कहां से आया? तुम्हें पता है ना कि हम लोग ब्राह्मण हैं। मैंने कहा था इसे। आपने? पर क्यों? शराब? आप ये क्या कर रहे हैं? अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों अपना धर्म रश करने पर तुले हुए हैं आप? क्योंकि मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। किसकी बात माननी पड़ेगी आपको? कुछ भी नहीं रहा मेरे बस में। चलो चलो। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकते थे। हमेशा से उन्होंने अपना धर्म निभाया था और उस दिन अचानक मांस और शराब। उनकी ये बिगड़ती हालत देखकर उस समय सिर्फ चिंता ही हो रही थी। यही चाहती थी ना तू? मुझको अपवित्र करके मुझे और कमजोर बनाना चाहती है। मेरी बीवी, मेरी बच्चियों की नजरें झुक गई सबके सामने। पापा। किरण आओ बेटा, डरो नहीं बेटा, आओ ना। पापा, मम्मी रो रही है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप पहले जैसे बन जाइए ना, प्लीज। सब तेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि वो चालाक किसी तुम पर काबू पाने की कोशिश करेगी। तुमने सबसे संगीन नियम तोड़ा है
उसकी बातों में आकर एक इंसान को मारने को कहा। अब उस पिशाचनी पर कोई बंदिश नहीं रही, वो तुम्हारी ऊर्जा खींच रही है और वो ऊर्जा तब तक खींचती रहेगी जब तक कि तुम्हारे शरीर से प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद तुम्हारा जन्म पिशाच योनि में होगा और हजारों सालों तक वहीं फंसे रहोगे और इन सब के साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी खतरा है। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, वो बहुत खतरनाक है। कोई तो रास्ता होगा शंकर जी उससे पीछे छुड़ाने का। हाँ, एक विधि है उससे पीछे छुड़ाने की, लेकिन वो विधि तुम्हारे घर में करनी होगी। तुम उससे छुटकारा पाना चाहते हो? ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अब सजा तो मिलेगी। जिस बेटी का चेहरा देख कर आए थे ना, उसी बेटी को छीन लूंगी मैं। मेरी बेटी को कुछ मत करना, उसका कोई दोष नहीं है, गलती मेरी है। सुनो, मैं कहता हूँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। राम राम, मेरी बात सुनो, रुको, किधर आओ? चलो आप रेडी हो गए, अभी आप यहाँ ले जाओ, मैं बेबीज को देख। मेरी डॉल, किसने किया मेरी डॉल को? किरण को लेके जाओ, जाओ। कौन थी वो? ये एक पिशाचनी थी जिसको तंत्र साधना करके मैंने बुलाया था ताकि इसके जरिए मैं हमारी मुसीबतों को दूर कर सकूं। गीता, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे कोई ज्योतिष विद्या नहीं आती है। क्या?
तो आप उन सभी लोगों का भविष्य कैसे बता देते हैं? जो कुछ भी भविष्य में बताता था यही मुझे बताती थी। पिशाच ने? हाँ, पिशाच ने। लेकिन अब वो हमसे सब कुछ छीन लेना चाहती है। उससे बहुत बड़ी गलती होगी गीता। आपको अंदाजा भी है आपने क्या किया? आपकी इस गलती की वजह से मेरी दोनों बच्चियों की जान आज खतरे में पड़ गई। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं तो चाहता था कि सब लोग खुश रहे। याद रखिए, अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको। नहीं गीता, अरे मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। गीता, गीता। आप यहाँ क्यों आए? वापस चले जाइए। मैं कोई और गलती करके अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम सब वैसे भी खतरे में ही हो राम। अब अगर बचने का कोई रास्ता है तो वो यही है, विधि करके उससे पीछा छुड़ाया जाए। और अगर देरी की तो ये मौका भी नहीं मिलेगा राम। सुनो, अगर ये सही कह रहे हैं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा राम। हमें इनकी बात माननी चाहिए। सोच क्या रहे हो राम, बोलो। लेकिन ये विधि मुझे करना नहीं आता है। ठीक है, करता हूँ विधि। ठीक है शंकर जी, करते हैं विधि। बेटा, बेटा। तुझे जिस काम के लिए बुलाया था वो पूरा हो गया। तू वापस उसी अंधेरे में चली जा जहां से तू आई है। अब किसी और की नहीं, मेरी मर्जी चलेगी। जो चाहती है वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और तू जाएगी और कभी लौट के नहीं आएगी। सब मरेंगे, सब के सब। विधि पूरी हुई और वो जा चुके हैं। तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। उनका सच सामने आने के बाद मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा था। उन्होंने इतना कुछ कर दिया और मुझसे छुपाए रखा। अगर किरण को कुछ हो जाता तो ऐसी खतरनाक पिशाचिनी हमारे घर में थी, ये मुझे पता होता तो पहले ही वो पूजा करवा दी होती। पर देर से ही सही, आखिर सब ठीक हो गया था। ऐसा उस समय हमें लगा, पर हम ये नहीं जानते थे कि हम कितने गलत थे। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन है?
ये नहीं हो सकता। तुझे क्या लगा मैं चली गई? पर तुझसे एक गलती हो गई थी विधि में। गलती? नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। और तेरा जीना भी संभव नहीं है। गीता, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। भले ही सब ठीक हो गया हो राम, पर अब हम इस घर में नहीं रह सकते। लेकिन गीता, मैं ये सब उसी पैसे से बना जो उस पिशाचनी के जरिए आया था। आज तक उसने हमें जो कुछ भी दिया उसके अब हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। ये पैसा, ये घर, हमें कुछ नहीं चाहिए राम। चलिए यहां से। ठीक है गीता, हम अपने पुराने घर में वापस चले जाएंगे और ये घर और जो भी पैसा हमारे पास है इसका क्या करना है मैं देखता हूं। प्रणाम गुरुजी। बैठिए। गुरुजी, आपको अचानक से क्या हो गया है? आप कुछ बता भी नहीं रहे हैं। देखिए, ये सबसे पहले मुझे ना ये गुरुजी बोलना छोड़ दें। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं कोई गुरु नहीं हूं। क्या हुआ मुझे बताइए आप। देखिए, मुझसे उम्र में बड़े होने के बावजूद भी आपने मुझे जो इज्जत दी है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बस एक छोटा सा एहसान और कर दीजिए, मेरे यहाँ से जाने के बाद ये घर और जितना भी पैसा मैंने बनाया है वो सब दान कर दीजिएगा। पर आप जा क्यों रहे हैं गुरुजी? क्या हुआ आपको? आप कुछ छिपा रहे हैं। देखिए, आप वो सब ना जाने तो ही अच्छा होगा। मेरी तरफ से सबसे माफी मांग लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी तुम लोगों को दिया है उसकी तुम लोगों की जिंदगी में कोई जगह नहीं है। यही कहा था ना तेरी माँ ने, लेकिन वो ये भूल गई कि तेरी जिंदगी मैंने तुझे दी है, वरना तू सड़के कब का उस बीमारी से मर चुकी होती। तो अब मैं ये जिंदगी वापस लेती हूँ। तुझे अब यही बीमारी खाएगी, अभी और इसी वक्त। तन्वी बेटा,
बेटा तन्वी, तन्वी, तन्वी। गीता, गीता। बेटा जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो हम सब घूमने जाएंगे। अगर मैं ठीक ना भी हुई ना तब भी आप सब जाना। एक बच्चे को खोना क्या होता है, ये दुख किसी भी माँ बाप को नसीब ना हो। बस उस हादसे के बाद मैं उस घर में और एक पल नहीं रुक सकती थी। गीता, 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 ये बैग वगैरह कहाँ जा रही हो? हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आप यही रहिए, इसी घर जो हमारी बेटी को खा गए। ये कैसी बात कर रही हो गीता? तन्वी तो चली गई राम, अब हम दोनों को भी भूल जाइए। पर गीता, मैं तुम लोगों के बिना करूंगा क्या? तुम दोनों के सिवा मेरा है ही कौन? इससे अच्छा तो मैं मर जाता हूँ। नहीं, आपको जीना होगा, इसी घर में जीना होगा, यही आपकी सजा। ये घर आपको हर पल आपकी गलती का एहसास दिलाएगा कि जो भी कुछ हुआ है ना, इसके जिम्मेदार आप, सिर्फ आप। अब हमारे पीछे मत आइए, चलो बेटा। गीता, गीता, किरण, तुम पापा के पास रुक जाओ। चलो गीता। शंकर जी, दरवाजा खोलिए। आपने तो कहा था कि आज के बाद कुछ भी बुरा नहीं होगा, पर उस पिशाचनी के जाने के बाद मेरी बेटी तन्वी की बीमारी फिर लौट आई। तन्वी की मौत हो गई। काश उसकी जगह मैं मर गया होता। शंकर जी, शंकर जी, शंकर जी, ये कैसे? शंकर जी, शंकर जी, ये कैसे हुआ? ये कैसे? जैसे तुम्हारी बेटी गई वैसे। को क्या लगा मुझसे छुटकारा पालोगे? तुम तो मरोगे ही, पर अभी और तड़पना बाकी है। तो तुम्हारी बीवी और एक बेटी भी तो बाकी है। गुरुजी, प्रणाम। आप, क्या बात है?
मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ आइए ना। जो कुछ भी तुमने किया बहुत गलत किया। जानता हूं और उसकी सजा भी भुगत चुका हूं। अब गीता और किरण को कहीं कुछ ना हो जाए उसके लिए बहुत परेशान। एक रास्ता था शंकर, पर अब वो भी खत्म हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कहां जाऊं। मैंने बहुत गलत किया है, मेरे परिवार का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर बात तुम्हारे परिवार की ना होती ना, शायद हम लोग यहाँ बैठकर बातचीत भी नहीं कर रहे होते। पता है, कोई तो रास्ता होगा संदीप जी। हाँ एक रास्ता है। बोलिए ना। मैं किसी को जानता हूं जो शायद ये सब कुछ रोक सके। कई लोग सिर्फ धन और संपत्ति की लालच में, लोभ में, ऐसी बुरी शक्तियों के चंगुल में फंस जाते हैं। इसलिए तुम अपने आप को दोष मत दो। कम से कम तुम्हारे पास एक सही वजह तो थी, तुम्हारा परिवार। लेकिन अब वही वजह खतरे में। कर्ण पिशाचनी फिर लौट आई। नहीं राम, वो कभी वापस गई ही नहीं थी। तुम्हारे उस तांत्रिक ने अपनी विधि में एक गलती कर दी। कर्ण पिशाचनी का आह्वान तुमने किया था, इसलिए उसे दूर करने का मंत्र भी तुम्हें ही पढ़ना चाहिए था, ना कि उस तांत्रिक को। खैर अब हमें वो विधि फिर से करनी होगी और इस बार बिल्कुल सही तरह से। लेकिन कब? कल। कल पूरणमासी है। इस रात को बुरी शक्तियां सबसे ज्यादा कमजोर होती हैं, इसलिए अब हमें वो विधि कल ही करनी होगी। बस तुम किसी भी तरह आज रात सुरक्षित निकाल लो, ठीक है? सुनीता, 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 सुनीता!
आगे खोल बेटा, किरण। एक बेटी खो चुकी थी, दूसरी खोना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैंने तय कर लिया, अगर किरण को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। उससे साफ था कि उसके पीछे जो वजह थी वो पिशाचनी ही थी। बेबस हो गई थी मैं, सोच रही थी कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा उस पिशाचनी से अपनी बच्ची को बचाने का। ये सब एक रात में हुआ है, कल रात कुछ भी नहीं था। हाँ डॉक्टर साहब, देखिए मैंने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। फिलहाल मैंने इन्हें आराम के लिए इंजेक्शन दे दिया है, पर उसके आगे मेरी समझ के बाहर है। चलता हूँ। ये सब उसी ने किया है, है ना? गीता, अभी भी एक उम्मीद बाकी है। हमें आज रात एक और पूजा करनी होगी, बस तब तक किरण की हालत और न बिगड़े। एक बार वो पिशाचनी चली जाए ना, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। सब ठीक हो जाएगा? हाँ? यही बात सुनते सुनते आज बात यहाँ तक पहुँच गई राम। कुछ भी करके इसे बचाना होगा आपको, चाहे इसमें आपकी जान ही क्यों ना चली जाए। समझ गए ना आप? गीता, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा गीता इसे। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें विधि तुरंत शुरू करनी है। राम, अब जो मंत्र मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें उसका उच्चारण करना है। याद रहे, तुम्हें इस मंत्र का जाप अंत तक करना होगा, क्योंकि जब तक तुम ये जाप करोगे वो तुम पर हमला नहीं कर सकती। अब तुम इस मंत्र का उच्चारण करो। देखा राम, मैंने तुमसे कहा था ना ये सिर्फ एक छलावा है, अगर अब तुम रुक गए तो ये सब खत्म हो जाएगा। मंत्र जारी रखो, रुको नहीं। वो चली गई, उसके लिए तो नहीं रुक सकता, लेकिन जो जाने वाली है उसके लिए तो रुकेगा। नहीं,
जाएगी। राम, ये सब तुम्हें रोकने के लिए हो रहा है, बस थोड़ी देर और। अब इस वक्त तुम रुक गए तो ये सब खत्म हो जाएगा। मंत्र जारी रखो, रुको नहीं। पिशाचनी, अब तेरे जाने का समय हो गया है। कहाँ है तू? जहां भी है अब यहां आ जा, मेरे सामने। पिशाचनी, तेरे जाने का समय अब आ गया है। राम, मुक्ति मंत्र के साथ सिंदूर का उपयोग करो। अब पिशाचनी यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। अब तुम उसके बंधन से मुक्त हो गए हो। किरण, किरण, बेटा, गीता, अब हम उस पिशाचनी के बंधन से मुक्त हो गए। अब वो यहां कभी नहीं आई। हाँ गीता, अब वो पिशाचनी यहां वापस लौटकर दोबारा कभी नहीं आएगी। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई और वही गलती जरूर कर रहा होगा जो राम ने की थी, उसे अपनी जिंदगी में बुलाकर। काश इंसान लालच पर काबू पा सकता तो ऐसी बुरी शक्तियां हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाती। खैर, अब गलती से भी दोबारा ऐसी कोई गलती मत करना राम। इजाजत चाहूं, चलती हूं। बस अब तुम दोनों सुरक्षित हो, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। भले ही तुम दोनों अब मेरा चेहरा ना देखना चाहो, लेकिन मुझे तसल्ली रहे। किरण, अपने पापा से कहो कि वो कहीं नहीं जा रहे। Oh, my God.